यार इसका हाथ छोड़ दो, हमेशा ऐसे पकड़ के चलती है ऐश्वर्या जैसे ही खो जाएगी। चल तो ऐसे रही है जैसे ऐश्वर्या की बेटी हो। Why is she walking like that? What's wrong with her walk? आराध्या का भी हेयर स्टाइल बचपन से सेम है एंड आई हैवंट सीन एश आल्सो एक्सपेरिमेंट विद हर हेयर स्टाइल, इट्स बीन अ व्हाइल। आपकी बेटी विदाउट मेकअप के ज्यादा खूबसूरत लगती है, वह अभी बहुत ज्यादा यंग है लिपस्टिक और आईलाइनर के। आराध्या 11 साल की हो चुकी हैं और अगर अभी भी ऐश्वर्या उसे इसी तरीके से पैम्पर करेगी तो वह कभी भी अपने आप को खुद इंडिपेंडेंटली संभाल नहीं पाएगी। ऐश्वर्या बच्चन की शादी 2007 20 अप्रैल को अभिषेक बच्चन के साथ में हुई थी। 2011 16 नवंबर को उनके घर में एक प्यारी सी बेटी यानी कि आराध्या ने जन्म लिया। ऐश्वर्या राय क्योंकि एक मिस वर्ल्ड हैं और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा सुपरहिट मूवीज़ दी हैं और वहीं उनके हस्बैंड भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार हैं। उनके पिता यानी कि अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं और इतने बड़े परिवार की चर्चाएं ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन जब से पैदा हुई हैं तभी से वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं। अभी कुछ फैंस तो ऐसे हैं जो कि आराध्या को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आराध्या को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो आराध्या की हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं कि आराध्या आप कितने साल की हो गई हैं, आराध्या अपने स्कूल में कैसे बनकर जाती हैं, वो कैसी हिंदी या इंग्लिश बोलती हैं, वो पढ़ाई में कैसी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आराध्या की हर एक चाल ढाल को भी उनके फैंस अच्छे से देखते हैं। अब कुछ समय पहले की ही बात है, जब आराध्या जब भी अपने पेरेंट्स के साथ में स्पॉट होती थी तब उनकी वॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया जाता था। और सिर्फ वॉक को लेके नहीं बल्कि उनके हेयर स्टाइल को लेके भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्रोल किया जाता था। जब भी आराध्या अपने पेरेंट्स के साथ में स्पॉट होती थी तभी उनके फैंस या फिर कुछ चाहने वाले या फिर कहें कुछ हेटर्स भी उनमें से ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे जो शायद किसी बच्चे के लिए करना काफ़ी ज़्यादा बुरा है। उनके ट्रोलर्स कुछ इस तरह से उन्हें ट्रोल किया करते थे कि चल तो ऐसे रही है जैसे ऐश्वर्या की बेटी हो। आखिर आराध्या के पैरों में प्रॉब्लम क्या है? आखिर आराध्या अपने बालों का हेयर स्टाइल क्यों नहीं बदलवाती है? वो कब से ऐसे ही बालों के साथ में नज़र आती है? ऐश्वर्या को अपनी बेटी का हेयर स्टाइल बदल देना चाहिए। पर वहीं पे बच्चन से हमेशा से इन सभी बातों को और ट्रोलिंग को इग्नोर किया। उन्होंने कभी भी इन बातों को बड़ा दिखाना नहीं चाहा और उन सभी ट्रोलर्स को कभी भी जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। पर वहीं दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी पब्लिकली पोस्ट होता है तो बहुत से व्यूअर्स अपनी बातें रखते हैं। अब चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, हर नेगेटिव हर पॉजिटिव को बच्चन परिवार ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। अब जब हाल ही में ही आराध्या बच्चन अनंत और राधिका की शादी में स्पॉट हुई तब वहाँ पर उनका हेयर स्टाइल एकदम बदला हुआ नजर आया। आराध्या का नया हेयर स्टाइल देख कर फैंस मानो एकदम खुश हो गए थे। फैंस ने आराध्या की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी। उन्होंने कहा कि सचमुच आराध्या अब कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बचपन से आराध्या को एक ही हेयर स्टाइल में देखकर हम सब बोर हो गए थे। आराध्या सचमुच अपनी माँ ऐश्वर्या राय की तरह नज़र आती हैं। आराध्या बच्चन बेहद खूबसूरत हैं और वो फैंस चाहते हैं कि आराध्या बच्चन बड़ी होकर अपनी माँ ऐश्वर्या राय की तरह एक बहुत खूबसूरत और होनहार एक्ट्रेस बने। अब जहाँ आराध्या बच्चन को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं तो वहीं बच्चन परिवार में अब एक और न्यूज़ आ रही है। वह न्यूज़ ये है कि आराध्या बच्चन के पेरेंट्स यानी कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अब अलग हो रहे हैं, दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं और शायद इसकी पूरी वजह है निमृत कौर। निमृत कौर वही हैं जिन्होंने 2 साल पहले अभिषेक बच्चन के साथ में 10वीं मूवी में काम किया था। अब जब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक साथ साथ नहीं हैं तब से ही सभी व्यूअर्स का कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों साथ में कितने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम ऐश्वर्या या फिर निमृत या फिर अभिषेक या फिर बच्चन परिवार का कोई भी फैमिली मेम्बर आकर सामने ये बात रख सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, ये सिर्फ रूमर है। खैर इस बात पर भी कोई भी बच्चन परिवार की ओर से या फिर निमृत की ओर से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जब ये रेडिट का पोस्ट वायरल हुआ जिसमें ये बताया जा रहा था कि अभिषेक बच्चन और निमृत के बीच में कुछ कुछ चल रहा है तभी से फैंस काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए थे।
वहीं ऐश्वर्या को लेके भी काफ़ी ज़्यादा फैंस का यही कहना है कि ऐश्वर्या खुद इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उन्हें अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए अगर कुछ ऐसी बात है तो। खैर ये तो हुई रीसेंट रिपोर्ट्स। अब निम्रत के लिए रेडिट के एक पोस्ट के द्वारा ये बताया गया कि कुछ कुछ अभिषेक और निम्रत के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से शायद ऐश्वर्या और अभिषेक डाइवोर्स ले लेंगे। लेकिन ऐसी ही कुछ अफवाहें कुछ साल पहले भी उड़ी थी, जब ये बताया जा रहा था कि अभिषेक और ऐश्वर्या साथ में खुश नहीं हैं और ये दोनों जल्द ही डाइवोर्स ले सकते हैं। तब भी ऐश्वर्या और बच्चन परिवार हमेशा की तरह चुप रहा। लेकिन जब कुछ समय पहले पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या नजर आई तो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी। तभी से ही सबको ये पता लग गया कि नहीं, अभी भी ऐश्वर्या और अभिषेक साथ साथ हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन अब दोबारा से, अब जब सब कुछ ठीक ही हो रहा था, तभी ये रेडिट का पोस्ट फिर से आ जाता है और रेडिट के पोस्ट में फिर से ये लिखा जाता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक डाइवोर्स ले रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वो रेडिट का पोस्ट का यूज़र जान सकता है या फिर बच्चन परिवार। लेकिन एक बात और सामने आई है, जब भी ऐश्वर्या के साथ में उनकी बेटी आराध्या को देखा जाता है और अभिषेक बच्चन को नहीं, तब फिर से सभी व्यूअर्स को यह शक हो जाता है कि हमेशा ऐश्वर्या के साथ में उनकी बेटी ही क्यों होती है। कभी अभिषेक बच्चन क्यों नज़र नहीं आते हैं अपनी पत्नी के साथ में। कभी भी जब भी ऐश्वर्या को किसी भी अवार्ड फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है, चाहे वो पेरिस जाएँ या फिर दुबई, वो कहीं पर जाती हैं तब भी अभिषेक बच्चन उनके साथ नहीं होते हैं, बल्कि उनकी बेटी आराध्या बच्चन उनके साथ होती है। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ऐसा हो सकता है कि अभिषेक बच्चन अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी हों। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अभिषेक बच्चन हमेशा ही काम कर रहे हों। वो कभी ना कभी तो कहीं पे अपनी पत्नी के साथ में किसी वेकेशन में स्पॉट हो ही सकते हैं, पर ऐसा बहुत साल बीत चुके हैं और ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आया है। तो वहीं पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में इसलिए थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है क्योंकि इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता बच्चन है। क्योंकि जब भी श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ साथ आते हैं, तभी श्वेता बच्चन की चाल ढाल और ऐश्वर्या की चाल ढाल में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है। वो दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आती हैं तो ठीक से स्माइल भी पास नहीं करती हैं और साथ में खड़ी जब होती हैं तब भी बहुत ज़्यादा डगमगा रही होती हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती हैं। तो वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद अब निम्रत कौर इसकी वजह है, क्योंकि 2 साल पहले जब 10वीं मूवी में काम किया था, शायद तब से ही ये अफवाहें चल रही हैं। लेकिन अब जब से ये रेडिट का पोस्ट वायरल हुआ है, तब से ये ज़्यादा सबकी नज़रों में आने लगी हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि पेरिस फैशन वीक में जब ऐश्वर्या ने अपनी एंगेजमेंट रिंग को फिर से पहन लिया था, उसी के बाद से अभिषेक और ऐश्वर्या के झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे और शायद अब वो दोनों ग्रे डाइवोर्स ले सकते हैं। ग्रे डाइवोर्स वही होता है कि जब शादी के कम से कम 20-50 साल बाद कोई इंसान एक दूसरे से डाइवोर्स लेता है, यानी कि जब वो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, साथ में बहुत ज़्यादा समय बिता चुके होते हैं और तब वो लोग डाइवोर्स लेते हैं, उसे ग्रे डाइवोर्स कहा जाता है। तो हो सकता है कि ऐश्वर्या और अभिषेक ग्रे डाइवोर्स ले लें आगे जाकर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी आराध्या बच्चन के लिए अभी भी साथ साथ हैं। खैर ये जितनी भी बातें, जितने भी कमेंट्स हैं, ये सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। जब तक बच्चन परिवार या फिर निम्रत की तरफ से किसी भी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती, तब तक इन सभी बातों को हम लोग रूमर्स कह सकते हैं। बस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खुद वो जब तक आकर नहीं बताते, तब तक कोई नहीं जान सकता है। खैर आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।